ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट आप जरा इस तरह देखें जिस तरह मैं देख कर रहा हूँ इसको, ये मेरा अंगूठा है, मेरे अंगूठे को पहले देखें। अब मैंने इसको साइड पर रेंज लिया, ठीक है। अब अगर फासला इफेक्टिव रेंज से थोड़ा ज़्यादा है, मिसाल 30-40 मीटर इफेक्टिव रेंज से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फायर से पहले इसको दबाऊँगा। इसको दबाने से ये होता है कि ये गैस ऑपरेटेड गन जो है ये अपना जो तमाम प्रेशर है ये बाहर की तरफ फेंकती नहीं है, और ये चैम्बर लोड दूसरी बुलेट को नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको ये दबाया हुआ है। इसके दबाने के बाद अगर मैं इसका रेंज करता हूँ, इसका फायर करता हूँ, ठीक है, तो ये गोली उससे थोड़ा आगे तक जाएगी इफेक्टिव रेंज। इसको दबाऊंगा।